बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार से दर्शकों को बता देते हैं, गोपालगंज से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगभग 1600 वोटों से आगे चल रही हैं, तो मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी 5000 वोटों से आगे चल रही हैं। आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोपालगंज से बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के गोपालगंज और मोकामा का हाल जानेंगे, सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिल्कुल मैं इस वक्त दिखा दूं यहाँ की तस्वीर, पटना में जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर में ये सज गया है, ये गेंदा के फूल का माला है और यहाँ पर बेचने वाले, आपको कैसे पता कि आज यहाँ लगाना है? मालूम हुआ कि यहाँ इन्हीं का उम्मीद है जितने का लॉन्च भी हो रहा है, और हम तो भाई फूल माला बेचते हैं, पता चला कि वहाँ आज गिनती है इसीलिए बेचने के लिए यहाँ फूल माला। अभी आपने भी मौका समझा कि बढ़िया है। हाँ, चलिए, फूल माला की बिक्री के लिए बगल में काउंटर लग गया है। अनंत सिंह के बेहद करीबी और समर्थक जो हैं वो सुबह से यहाँ चाय पानी नाश्ता का इंतजाम किए हुए अपने समर्थकों के लिए, क्या सोच करके शुरू से ही लगा लिए थे आप ये सब पूरा? ये जनता जो क्षेत्र से आ रहे हैं उनके लिए तो व्यवस्था करना ही था, हमेशा रहता है। तो क्या इस बार क्या उम्मीद है पांचवें राउंड में 5000 से ज्यादा, 4 राउंड में? हम लोग शुरू से अस्वस्थ हैं, जिस समय नॉमिनेशन हुआ था उस टाइम से ही हम लोग अस्वस्थ हैं कि हम लोग का जीत पक्का है। लेकिन मुख्यमंत्री तो इस बार गए नहीं थे चुनाव प्रचार करने? हम मुख्यमंत्री गए नहीं थे, अपना वीडियो जारी किए थे, सब गए थे, जितने भी कार्यकर्ता ना चुनाव लड़ता है जदयू के सभी कार्यकर्ता, सभी गठबंधन के कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए। जिस तरह से आगे चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस जीत का श्रेय किसको देंगे अगर जीत जाते हैं तो? पार्टी का रहेगा, कार्यकर्ता का रहेगा, पार्टी के कार्यकर्ता न करता है। आप बताइए, आप भी सुबह से टहल रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। जी दादा, क्यों आए थे आप? आए थे, छोटे सरकार के समर्थक हैं तो फिर उतना तो बनता है ना, बाद बाकी छोटे सरकार को ब्रांड है, अब मोछा जरी सुन ऐसे ऐसे होता है ना तो दिल्ली के सिंहासन डोलता, समझे? जी, ऐसे कैसे मुझ करते हैं? अरे तो पूरा जनता जान हो वही उनका स्टाइल ऐसे है, ऐसे उडल आवो अखिन मोछा, अच्छा ऐसे ऐसे करो अखिन ने तो दिलिया वाला जो है ना वो ऐसे ऐसे हो। हाँ, तो अनंत सिंह जे जेल में बंद हथिन तो ओकर का कोची फर्क पड़ा है? देखो दादा, अंदर रहथिन या बाहर रहथिन जनता ले तो बोलिए अलखुनल जिला से बाहर अलखुनल कोटा तक अलखुनल ना कि जनता हमरा ले भगवान है, तो बस भगवान उनकर सेवा कर रहलखिन है सब, छोटे सरकार के हराबे वाला कोई नहीं है खिन मोकामा में, समझ लो। छोटे सरकार के अबरी ने पूरा भारत जान जीतो कि बीजेपी के हराबे वाला ने एगो छोटे सरकार रखिन। अब बेर जे वोटवा होले तो कहल गले कि सूरज भानो सिंह आ गए थे पूरा फील्ड में खुल करके? सूरज भान सिंह नहीं थे, उनकर भाई लगो अखिन और उनका सांसद के चुनाव लड़े के है। तो बिल्कुल प्रकाश, यहाँ मोकामा की तस्वीर तो बता रही है कि यहाँ पर समर्थकों में कितना उत्साह है अनंत सिंह के समर्थकों में, और इसीलिए यहाँ पर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देखिए जीत होना तय है। और बिहार के गोपालगंज में फिलहाल ये खबर, ताजा खबर मिल रही है कि आरजेडी प्रत्याशी आगे, पांचवे दौर के बाद 3165 वोट आरजेडी को मिले हैं, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। 839 वोट से पांचवे दौर के बाद आरजेडी यहां पर आगे दिखाई दे रही है, कुसुम देवी बीजेपी से फिलहाल पीछे। तो गोपालगंज हो या मोकामा, फिलहाल तस्वीर ये कह रही है कि आरजेडी आगे दिखाई दे रही है मोकामा और गोपालगंज में। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में, और यहां पर भी गोपालगंज से भी खबर ये कि आरजेडी फिलहाल यहां पर अब आगे निकल गई है 839 वोटों से। और उत्तर प्रदेश के गोला गोकरनाथ का रुख कर लेते हैं, जहां पर सातवें दौर की काउंटिंग के बाद बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी के पूर्व विधायक 2012 विधायक रहे विनय तिवारी फिलहाल पीछे, और अमन गिरी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोला गोकरनाथ का यह हाल आपको बता रहे हैं, सातवें दौर की काउंटिंग के बाद ये तस्वीर गोला की निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।